हरी ओम सभी को। श्री योग वशिष्ठ महारामायण पाठ वैराग प्रकरण इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे तृष्णा गारुड़ी वर्णन नाम द्वादश सर्ग सर्ग 12। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, ये अमंगल रूप शरीर जो जगत में उत्पन्न हुआ है बड़ा अभाग्य रूप है और सदा विकारवान मांस मज्जा से पूर्ण और अपवित्र है। इससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, इसलिए इस विकास रूप शरीर की मैं इच्छा नहीं रखता। यह शरीर न अज्ञ है और न तज्ञ है, अर्थात न जड़ है और न चैतन्य है। जैसे अग्नि के संयोग से लोहा अग्निवत होता है, सो जलाता भी है परंतु आप नहीं जलता, वैसे ही यह देह न जड़ है न चैतन्य है। जड़ इस कारण नहीं है कि इससे कार्य भी होता है, और चैतन्य इस कारण नहीं है कि इसको आपसे कुछ ज्ञान नहीं होता, इसलिए मध्यम भाव में है। क्योंकि चैतन्य आत्मा इसमें व्याप रहा है और आप तो अपवित्र रूप अस्थि मांस रुधिर मूत्र और विष्ठा से पूर्ण और विकारवान हैं। ऐसी देह दुख का स्थान है। इष्ट के पाने से हर्षवान और अनिष्ट के पाने से शोकवान होती है। इससे ऐसे शरीर की मुझको इच्छा नहीं, यह अज्ञान से उपजती है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर में ही अहमपन फुरता है, सो दुख का कारण है। यह संसार में स्थित होकर नाना प्रकार के शब्द करता है, जैसे कोठरी में बैठा हुआ बिलाव नाना प्रकार के शब्द करता है, वैसे ही अहंकार रूपी बिलाव देह में बैठा हुआ अहंग अहंग करता है, चुप कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, वैसे ही अहंकार रूपी बिलाव देह में बैठा हुआ अहंग अहंग करता है, चुप कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, जो किसी के निमित्त शब्द को वही सुंदर है, अन्यथा सब शब्द व्यर्थ है। जैसे जय के निमित्त ढोल का शब्द सुंदर होता है, वैसे ही अहंकार से रहित जो पद है वही शोभनीय है और सब व्यर्थ है। शरीर रूपी नौका भोग रूपी रेत में पड़ी है, इसलिए इसका पार होना कठिन है। जब वैराग्य रूपी जल बढ़े और प्रवाह हो और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब संसार के पार रूपी किनारे पर पहुँचे। शरीर रूपी बेड़ा है जो संसार रूपी समुद्र और तृष्णा रूपी जल में पड़ा है, जिसका बड़ा प्रवाह है और भोग रूपी उसमें मगर हैं, सो शरीर रूपी बेड़े को पार नहीं लगने देते। जब शरीर रूपी बेड़े को वैराग्य रूपी वायु और अभ्यास रूपी पतवार का बल लगे, तब शरीर रूपी बेड़ा पार हो। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने उपाय करके ऐसे बड़े को संसार समुद्र से पार किया है, वही सुखी हुआ है, और जिसने नहीं किया वह परम आपदा को प्राप्त होता है। वह उस बेड़े से उल्टा डूबेगा, क्योंकि उस शरीर रूपी बेड़े का तृष्णा रूपी छिद्र है। उससे संसार समुद्र में डूब जाता है और भोग रूपी मगर इसको खा लेता है। यही आश्चर्य है कि देह अपना आप नहीं और मनुष्य मूर्खता करके आपको देह मानता है और तृष्णा रूपी छिद्र करके दुख पाता है। शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें भुजा रूपी और शरीर रूपी वृक्ष है उसमें भुजा रूपी शाखा, उंगली पत्र, जंघा स्तंभ, मांस रूपी अंदर
कि भोग वासना उसकी जड़ और सुख दुख इसके फल हैं। तृष्णा रूपी घुन उस शरीर रूपी वृक्ष को खाता रहता है। जब उसमें श्वेत फूल लगे तो नाश का समय आता है, अर्थात मृत्यु के निकटवर्ती होता है। शरीर रूपी वृक्ष की भुजा रूपी शाखा है और हाथ पांव पत्र हैं, टखने इसके गुच्छे और दांत फूल हैं, जंघा स्तंभ है और कर्म जल से बढ़ जाता है। जैसे वृक्ष से जल चिकटा निकलता है, वैसे ही जल शरीर के द्वारा निकलता रहता है। इसमें तृष्णा रूपी विष से पूर्ण सर्पिणी रहती है, जो कामना के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेता है तो तृष्णा रूपी सर्पिणी उसको डसती है और उस विष से वह मर जाता है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर वृक्ष की इच्छा मुझको नहीं है, यह परम दुख का कारण है। जब यह पुरुष अपने परिवार अर्थात देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि और इनमें जो अहं भाव है उस इसका त्याग करे तब मुक्ति हो, अन्यथा मुक्ति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो श्रेष्ठ है, हे मुनीश्वर, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे पवित्र स्थान में ही रहते हैं, अपवित्र में नहीं रहते, अपवित्र में नहीं रहते। यह अपवित्र स्थान यह देह है और इसमें रहने वाला भी अपवित्र है। आस्था रूपी इस घर में ईंटें हैं, रुधिर मूत्र और विष्ठा का गारा लगा है और मांस की कहगिल की है। अहंकार रूपी इसमें स्वपच रहता है। तृष्णा रूपी स्वपचनी इसकी स्त्री और काम क्रोध मोह और लोभ इसके पुत्र हैं और आंतों और विष्ठादि से भरा हुआ है। ऐसे अपवित्र स्थान अमंगल रूपी शरीर को मैं अंगीकार नहीं करता। यह शरीर रहे चाहे ना रहे, इसके साथ अब मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी बड़ा ग्रह है और उसमें इंद्रिय रूपी पशु हैं। जब कोई उस ग्रह में बैठता है तब बड़ी आपदा को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि जो इससे अहम भाव करता है तो इंद्रिय रूपी पशु विषय रूपी सिंगों को मारते हैं और तृष्णा रूपी धूली उसको मलिन करती है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को मैं अंगीकार नहीं करता जिसमें सदा कलह रहती है और ज्ञान रूपी संपदा प्रवेश नहीं होती। शरीर रूपी ग्रह में तृष्णा रूपी चंडी स्त्री रहती है, वह इंद्रिय रूपी द्वार से देखती रहती है और सदा कल्पना करती रहती है उससे सम दम मादि रूप संपदा का प्रवेश नहीं होता। उस घर में एक सुसुप्ति रूप सैया है, जब उसके ऊपर वह विश्राम करता है तब वह कुछ सुख पाता है, परंतु तृष्णा का परिवार अर्थात काम क्रोधादिक विश्राम नहीं करने देते। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख के मूल शरीर रूपी ग्रह की इच्छा मैंने त्याग दी है, यह परम दुख देने वाला है, इसकी इच्छा मुझको नहीं। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें तृष्णा रूपी काकिनी आकर स्थित हुई है। जैसे काकिनी नीच पदार्थ के पास उड़ती है, वैसे ही तृष्णा भोग आदिक मलिन पदार्थों के पास उड़ती है। तृष्णा बंदरी की नाई शरीर रूपी वृक्ष को हिलाती है, स्थिर नहीं होने देती। जैसे उन्मत्त हाथी
कांच में फंस जाता है तब निकल नहीं सकता और खेदवान होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी मद से उन्मत्त हुआ जीव शरीर रूपी कांच कीच में फंसा है सो निकल नहीं सकता, निकल नहीं सकता, पड़ा हुआ दुख पाता है। ऐसा दुख देने वाला शरीर है, ऐसा दुख देने वाला शरीर है, उसको मैं अंगीकार नहीं करता। हे मुनीश्वर, यह शरीर अस्थि मांस रुधिर से पूर्ण अपवित्र है। जैसे हाथी के कान सदा हिलते हैं वैसे ही मृत्यु इसको हिलाती है। कुछ काल का विलंब है, मृत्यु उसका ग्रास कर लेवेगी। इससे मैं इस शरीर को अंगीकार नहीं करता। यह शरीर कृतधन है, कृतघ्न है, भोग भुगतता है और बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, परंतु मृत्यु इससे सखापन नहीं करता। जीव इसको अकेला छोड़कर परलोक जाता है। जीव इसके सुख निमित्त अनेक यत्न करता है परंतु संग में सदा नहीं रहता। ऐसे कृतधन शरीर को मैंने मन से त्याग दिया है। ऐसे कृतघ्न शरीर को मैंने मन से त्याग दिया है हे मुनीश्वर। और आश्चर्य देखिए कि यह इसी के लिए भोग करता है और उसके साथ नहीं चलता। जैसे धूल से मार्ग नहीं भासता वैसे ही यह जीव जब चलने लगता है तब शरीर से क्षोभवान होता और वासना रूपी धूल संयुक्त चलता है, परंतु दिखता नहीं कि कहाँ गया। जब परलोक जाता है तब बड़ा कष्ट होता है क्योंकि शरीर के साथ इसने स्पर्श किया है। हे मुनीश्वर, जैसे जल की बूंद पत्र के ऊपर क्षण मात्र रहती है वैसे ही शरीर भी क्षण भंग है। ऐसे शरीर में आस्था करनी मूर्खता है और ऐसे शरीर के ऊपर उपकार करना भी दुख के निमित्त है। सुख कुछ नहीं, धनाढ्य इस शरीर से बड़े भोग भोगते हैं और निर्धन थोड़े भोग भोगते हैं, परंतु जरा अवस्था और मृत्यु दोनों को होती है। इसमें विशेषता कुछ नहीं, शरीर का उपकार करना और भोग भोगतना तृष्णा के कारण उल्टा दुख का कारण है। जैसे कोई नागिन को घर में रख कर दूध पिलावे तो अंत में वह उसे काट कर मारेगी, वैसे ही जिस जीव ने तृष्णा रूपी नागिनी के साथ मित्रता की है वह मरेगा क्योंकि नाशवंत है। इसके निमित्त भोग भुगतने का यत्न करना मूर्खता है। जैसे पवन का वेग आता है और जाता है वैसे ही यह शरीर भी आता और जाता है। इससे प्रीति करना दुख का कारण है। जैसे कोई विरला मृग मरुस्थल की आस्था त्यागता है और सब पड़े भ्रमते हैं वैसे ही सब जीव इसकी आस्था में बंधे हुए हैं। इसका त्याग कोई विरले ही ने किया है। आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए हरिओम सभी को।